त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी का धंधा तेजी से बढ़ रहा है। मिलावटखोर ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटी माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जुट गए हैं। वहीं कैथल पुलिस भी रात को चेकिंग के दौरान ऐसे मिलावटखोरों पर नकेल कस रही है। आपको बता दें कि कैथल जिला के तीतरम थाना में देर रात पुलिस ने करीब 4 क्विंटल पनीर से भरी गाड़ी को पकड़ा है, जिसमें संदिग्ध पनीर होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि ये पनीर राजस्थान से हिमाचल के जिला सोलन में बिकने के लिए जा रहा था। वहीं त्योहार से पहले इस तरह से पनीर की बड़ी खेप मिलना हैरानी वाली बात है। डीएसपी सज्जन सिंह ने बताया कि रात को पुलिस गश्त पर थी, जिसमें उन्होंने शक होने पर बोलेरो गाड़ी को रोका, जो राजस्थान के थेहफाना गाँव से हिमाचल के जिला सोलन जा रही थी। गाड़ी में भारी मात्रा में पनीर पाया गया, जिसके बाद फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर सैंपल भरे गए और नतीजा आने के बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रात को मेरे SHO हैं अपने रामलाल सब इंस्पेक्टर, जो कि रात को गश्त में थे और गश्त के दौरान उन्होंने एक पिकअप गाड़ी को चेक किया था, तो उसमें तीन चार क्विंटल के आसपास पनीर है, जो उनसे पूछताछ की गई तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जो पुलिस ने पोजिशन में ले रखे है, और हमने फूड सप्लाई की टीम और हेल्थ टीम बुला रखी है उसके सैंपलिंग के लिए, और उसके रिजल्ट आने के उपरांत जो भी अगर वो नकली होने की संभावना है, अगर होगा तो FIR दर्ज कर देंगे। फेस्टिवल सीजन आ रहा है, क्या पुलिस की गश्त जारी रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वैसे तो हेल्थ डिपार्टमेंट इन चीज़ों में ज़्यादा चौकसी रखता है भाई। कोई भी इस तरह का कोई नकली पनीर या नकली मिठाइयाँ बनाते हैं तो उनकी सैंपलिंग होती है, और सैंपलिंग में ही अगर कोई कुछ आता है उसमें अगेंस्ट, तो उसमें FIR दर्ज होती है। मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटखोर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और स्वास्थ्य विभाग इन पर सख्ती से शिकंजा कसे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।